हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं राजनंदिनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे अपने व्लॉग चैनल पे जिसका नाम है राजस्थानी इन यूके। सो मैं राजस्थान की शान आप सभी की वजह से हूँ मैं यहाँ आ पाई। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो एक 30 डेज चैलेंज है मेरा कि मैं 30 डेज तक रेगुलरली एक व्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो किस पे होना है, डजेंट मैटर, मे बी मेरे एवरीडे लाइफ पे हो, किसी दिन मैं कहीं चली गई तो मैंने वहाँ का व्लॉग बनाया, तो टोटली डिपेंड्स। तो आज का जो व्लॉग है वो ये है कि मैं ग्रोसरी स्टोर गई थी और वहाँ पर मैंने जब देखा कि प्राइस कितनी है क्या है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर एक सब्जी की प्राइस कितनी है और मतलब यहाँ पर महंगाई है कि नहीं है। सबको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पर और महंगाई बहुत ज़्यादा है। सो बस ये वीडियो इसी के ऊपर है कि मैं आपको एक ग्रोसरी स्टोर लेके जाऊँगी और वहाँ पर आपको मैं स्पेशली, ये कोई नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर नहीं है, ये ग्रोसरी स्टोर जो है जहाँ पर एक इंडियन, एक एशियन, मतलब जो भी पाकिस्तानी इंडिया के लोग, जितने भी लोग हैं जो हम लोग एशिया से बिलोंग करते हैं और हमारा जो खान पीन है वो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स जो बने हुए हैं जहाँ पर इंडिया का खान से दाल चावल वगैरह मिलता है, तो वहाँ पर मैं लेके जाऊँगी और वहाँ पर क्या रेट्स है वो मैं आपको बताऊँगी। इवन बर्तन की क्या रेट है उन सब की भी मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स गो। तो गाइज ये है वो ग्रोसरी स्टोर। अब यहाँ पर आप प्राइस दे सकते हैं, ऑरेंज की प्राइस 6 pounds, 2.9 pounds पियर की प्राइस, दिस इज़ हल्दी विच इज़ 6.99 एंड दिस इज़ अरवी विच इज़ 7 pounds। सो इस तरीके से यहाँ पर ये प्राइसिंग हो रखी है। ये जो मिर्ची है इसकी 5.9 है, मतलब 600 रुपये की 1 किलो मिर्ची दे रहे हैं ये लोग। इसके अलावा रेड मिर्ची है उसकी 6 pounds है, नीचे कैबेज वगैरह सब रखा हुआ है। आटे की प्राइस यहाँ पर 10 pounds, फिर 12 pounds ऐसा कुछ है। एंड देन यहाँ पर सारा बाल्टी वगैरह, आपको मग्स, डब्बे वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पर, घी के बड़े से छोटे पैकेट सब कुछ मिलेगा दिस साइड। यहाँ पर फिर से सब्जियाँ हैं, उनकी रेट्स वही है 5.99 देन 6.99 एंड लौकी भी 6.99 की है, पर केजी रेट्स लिखी हुई है यहाँ पर। ये बैंगन, देन ये छोटी मिर्ची 10.99, करेला 10.99 केजी। अब हम लोग अंदर आ गए हैं, यहाँ पर कुरकुरे, लेज वगैरह सब मिल रहे हैं, भुजिया वगैरह, इन सब की प्राइस 1.699 जो कुरकुरे मैंने दिखाए थे उसकी 8p, मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ वीडियो में उसकी प्राइस, बट उसकी 8p मतलब 80 पेनी विच इज़ 80 रुपीज़। अब ये जो है ये दाल वाला सेक्शन है, दाल, छोले, चावल, राजमा, ये वो सारी प्राइजेज हैं दाल की। यहाँ पे वो ये 2 pound, 3 pound, 4 pound, 5 pound, जितना बड़ा पैकेट, जितना ज़्यादा अमाउंट उतनी ज़्यादा आपको उस हिसाब से मिलेगा, मतलब 200, 300, 400, 500 इस तरीके से। ये जैसे 6 pounds है, सो 6 pounds, सो इस हिसाब से यहाँ पर पूरी प्राइस रेटिंग की गई है। और इंडिया में आपको पता है कि कितने किलो कितने का मिलता है, बट इस शॉप में इट्स जस्ट लाइक कि बस रहे रुअब्ज़ा, पिकल, अचार, मसाले, सब कुछ मतलब इस शॉप में हमको मिल रहा है। मैं इसलिए यहाँ लेकर आया क्योंकि यहाँ इंडियन सामान मिलता है, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले बताया था, वीडियो शुरू होने के टाइम, कि इसीलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ आप सभी को। अब ये तेल की प्राइस 12, 13, ये घी है, अलग अलग तरीके के घी यहाँ पे हैं, जैसे सरस वगैरह हमारे वहाँ मिलता है, वहाँ यहाँ नहीं मिलता। अमूल का भी यहाँ बहुत कम जगह मिलेगा आपको, मेनली पतंजलि, ईस्ट एंड, इस तरीके के घी मिलेंगे। घी का 1 किलो का डब्बा 14 pounds मतलब 1400 रुपये का है, 2 किलो का डब्बा 22 pounds, 23 pounds इस तरीके से घी का यहाँ पर प्राइस है। फिर ये चावल आ गए, ये सेवई हैं, प्लास्टिक के बर्तन, बॉर्नविटा 6 pounds का लिखा हुआ है, 600 रुपये का बॉर्नविटा का डब्बा है छोटा वाला। एंड यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के सामान रखे हुए हैं, ये घुड़ हैं, अलग तरीके के घुड़, मतलब ये जो घुड़ है ये अलग है,
एंड देन ये पिसावा घुड़ है, इसकी वैरायटी ब्रांड अलग है, इसकी ब्रांड अलग है, और इनकी अलग अलग प्राइसिंग है, 5 pound, 6 pound, 7 pound बड़ा वाला डिब्बा, 10 pound, तो इस तरीके से इनकी सबकी प्राइसिंग कर रखी है यहाँ पे। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे यही है कि क्या नाम है, ये मसाले, मतलब यहाँ सब रेडीमेड खाना चाहते हैं तो मसाले यहाँ पे जैसे कोफ्ता मसाला, चना मसाला, छोले मसाले ये हमारे इंडिया में मिलते हैं, बट इंडिया में हम लोग सब्जी के साथ मिलाते हैं, यहाँ पे सीधे वही लोग डालते हैं। दिस इज़ दलिया वगैरह, गेहूँ, बाकायदा गेहूँ मिल रहे हैं, विच इज़ 7 pounds आई गेस, या 7 pounds। तो ये भूंगड़े हैं, हमारे राजस्थान में भूंगड़ा बोलते हैं इसको, आप लोग क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, बट इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से पूरी ये शॉप है और इसमें ऐसी सारी चीज़ें मिल रही है, पूजा वगैरह का सामान भी यहाँ पे मिल रहा है, और मतलब क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में ऑलमोस्ट इंडियंस रहते हैं तो यहाँ पर सब ऐसा ही है। देन दिस इज़ ये भी सब पूजा का सामान है, भगवान वगैरह, छोटी छोटी अगर मूर्तियाँ आपको चाहिए, दिए वगैरह, तो सब यहाँ मिलेगा। एंड देन इस एरिया में जाएंगे तो यहाँ बर्तन हैं, और बर्तन की प्राइस बाय गॉड की कसम बहुत ज़्यादा है, मतलब ये छोटा डिब्बा विच इज़ 29 pounds, 30 pounds, 15 pounds, 49 pounds, मतलब 4,500-5,000 का तो ये एक बर्तन ही आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। अब कुकर बहुत महंगे हैं यहाँ पर, कुकर तो मिलते ही नहीं, यहाँ मिल तो रहे हैं, 50 pound का कुकर है। सो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये यूज़फुल थी कि नहीं, यहाँ की आपको रेट्स वगैरह पता चली जो आपको शायद पहले कभी पता नहीं हो, या फिर एक इंडियन स्टोर जो लंदन में है वो किस तरीके से प्राइस सेलिंग करता है, इवन कुरकुरे की प्राइस क्या है वो भी मैंने आपको बताई। सो इट्स जस्ट कि बहुत हाई है, और हम लोग यहाँ पर रहते हैं एंड प्रीवियस ईयर्स में जो यूके की प्राइस हुआ करती थी चीज़ों को लेकर वो बहुत लो थी इससे, सो अभी इट्स वेरी हाई, तो हम लोगों के लिए भी है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, बट या वी आर हियर एंड वी आर लिविंग, सो इट्स ऑल राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आप प्लीज़ बताइए कि आपको कुछ हेल्प मिली हो, या आपको कोई भी नीड चाहिए, जो लोग यूके में आना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट वो लोग भी मुझे बता सकते हैं, इफ दे नीड एनीथिंग सो आई कैन बी देयर। एंड प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे मेरे 30 डेज चैलेंज में सपोर्ट करें, बिकॉज मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग्स डालूंगी, सो या आप मेरी जर्नी मेरे साथ रहें और मेरे साथ बने रहें, राजस्थानी यूके को सपोर्ट करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।